हेलो एवरीवन, मेरी गृह लाइव चैनल में आपको मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये टोपायरी पर है और मेरे पास कई सारी टोपायरी बनी हुई है, वो भी दिखाने वाली हूँ। और एक जेट प्लांट जो होता है, इस पर एक टोपायरी बनाने वाली हूँ और एक बुद्धा जी पर टोपायरी बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पुरानी वाली भी शेयर करूँगी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसा लुक उनका तैयार हो गया है। और ये वीडियो बहुत सुंदर सुंदर टोपायरी पर है, आइए लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। ये जेट प्लांट की टोपायरी में आज बनाने वाली हूँ, वो भी राउंड शेप में। इसकी मदद से, ये गुल्लक थी इसकी मदद से, ये बेकार पड़ी हुई है तो इसकी मदद से मैं बनाने वाली हूँ। तो और देखिए, मैंने ये गमला ले रखा और मुझे एक ये चाय तो बोल ले लो, और चाय मटकी ले लो, और चाय कोई भी गोल शेप में हो आपके पास वो ले सकते। तो और मैंने जेट प्लांट की बनाई, तो जेट प्लांट की हमें कुछ कटिंग्स चाहिए, तो मैं कटिंग्स कुछ मैंने रखी हुई है और कुछ मैं कट करने वाली हूँ। और इसमें चारों तरफ मैं इसके लगाऊंगी। ये देखिए, एक एक करके हम चारों तरफ इसको सभी को लगा देंगे। और मैंने चारों तरफ से इसके प्लांट ये लगा लिए हैं। ये देखो, सारे साइड इसके किनारे किनारे राउंड में, राउंड शेप में प्लांट लगा लिए हैं। अब मैं इसको बीचों बीच इसको, ये मेरी गुल्लक है, घर में मेरे पास पड़ी हुई थी, अब यूज नहीं होती, तो मैं इसको इसमें बीच में रख के लगा दूँगी। और इसको चारों तरफ से ऐसे बना के, ऐसे करके, और इसको मैं फिर धागे से लपेट दूँगी इसको। तो ये मैं धागा लपेटूँगी इसमें चारों तरफ से, जिससे ये पूरा गोल शेप में आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको धागे से पूरा लपेट दिया है। अब मैं इसको लास्ट में यहाँ पे ये बांध दूंगी धागे को इसको, और मैंने इसको रील के धागे से कुछ इस तरह बांध दिया है, इसको गोल शेप दे दिया। अब इसको बिल्कुल गोल शेप करने के लिए तो हमें कुछ ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है इनको हमें कट करना पड़ेगा। तो इनकी एकदम फिर अच्छे से जैसी हम शेप चाहते हैं, गोल वाली वो राउंड वाली आ जाएगी। तो इसकी बीच बीच में जैसे भी ये एक्स्ट्रा बढ़ती है, तो हमें ये वाला काम हमें करना पड़ेगा इस पर, तभी इसकी ये शेप बन पाएगी। जो भी हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, तो उसकी सभी की हम यहाँ से कट कर देंगे और तब ये एक राउंड शेप में आ जाएगा। तो बीच बीच में हमें यही करना है, इसको कट करना है। ये देखो, तो ये अब थोड़ा थोड़ा ही देखो अपनी शेप में आने लगा। और यहाँ से ये अभी बड़ी होंगी, अभी फ़िलहाल मैं इसको काट देती हूँ। ये भी एक्स्ट्रा लग रही है मुझे यहाँ पर, देखो। ये सब निकाल दूंगी मैं धीरे धीरे, जितने भी हैं ये सारी। ये भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, जैसे देखो। तो इसी तरह हमें जो भी हम सेव देते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा भाग को, पार्ट को निकाल दें। तो ये धीरे धीरे इसका ये बोल का सेप आ जाएगा। तो इसको सभी को निकाल देंगे जो भी मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, ये देखो। और ये भी देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इसको भी निकाल देंगे। तो इसकी जो है ये शेप गोल, बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा ये अपने। और ये पूरा भर जाएगा, जो ये स्टेम इसकी बढ़ के आएंगे, तो ये पूरा इस तरह कुछ ये भर के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये भरा दिख रहा, और भी अच्छे लुक में आ जाएगा, अपने लुक में आ जाएगा ये राउंड शेप में। तो ये देखो, तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा अच्छा घना था ये, तो यहाँ पे इसलिए शेप इसकी बन गई है। और यहाँ पे भी ये धीरे धीरे इसमें स्टेम में से ये पत्तियाँ आएंगे, तो ये सारा ये भर जाएगा, तो बहुत अच्छा लुक आएगा फिर इसका, ये देखो। और अब देखिए, अब कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक ये गोल शेप में आ गया है, राउंड शेप में। तो अभी जहाँ पर ये पीला पीला दिख रहा है, अभी जब इसकी ये स्टेम में से ये इसकी पत्तियाँ निकल के आएंगी, तो ये बहुत सुंदर लगेगा, पूरा भर जाएगा। और तब ये अगर हमें एक्स्ट्रा पत्ती कोई भी दिखाई देती है लीफ, तो उसको हम कैंची से कट कर देंगे बीच बीच में, तो अभी इसका ये लुक आएगा, ये देखो। तो मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे दिख रहा है ये निकाल दूंगी मैं कुछ अभी और। तो ये पूरा ये राउंड शेप में आ गया है, ये देखो। तो ये बनाना देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो कितना ईजी है।
और ये बनके तैयार, कितना खूबसूरत सा मेरा तैयार हो गया ये देखो। और जेड प्लांट की टोपाइरी बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि इसको जो ये इस टाइम होती है इसको मोड़ने में जो है बहुत आसान है। ये वायरिंग लगा के भी मुड़ जाता है, कहीं को भी इसको मोड़ लो। ये देखो ये काफ़ी जो है ये देखो कितना लचीला होता है, तो हम इसको कहीं से भी ये वायरिंग भी कर सकते। और मेरे बहुत सारे मैंने देखो ये जेड प्लांट लगा लिए, एक इसमें लगा, एक इसमें लगा, एक इसमें लगा, इन पे कुछ ना कुछ काम करूँगी मैं। और इसमें भी लगा है बहुत सारे मैंने जेड प्लांट बनाए हुए हैं, और मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी टोपायरी दिखाई थी। तो और मैं देखो ये, और इस पर भी मैं कुछ काम करने वाली हूँ। और ये देखो एक मैंने जेड प्लांट इसमें लगाया हुआ है, ये देखो कुछ ये बोनसाई बनाने वाली हूँ इसको, ये फाइकस है, तो इस पर भी मैं कुछ काम करने वाली हूँ। तो इसकी भी कुछ कटिंग भी लगाऊंगी और कुछ काम भी करने वाली हूँ। देखो ये किस तरह की इसकी नीचे से जड़े आ गई, ये 2 साल पुराना है तो इतना मोटा इसका ये बन गया है। और इसमें ये सारे ये एरियल इसके दिखाई दे रहे हैं बारीक बारीक, तो ये देखो इसका भी मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो मैं अब इसी पर काम कर रही हूँ काफ़ी। और मैंने जो पहले बनाई थी वो देखो टोपायरी दिखाती हूँ मैं आपको, और एक टोपायरी मैं ये भी बना रही हूँ इसकी। तो इसकी ये देखो ये है हमारा शंख पुष्प, ये वाइट कलर का। और एक मैंने ब्लू वाली बनाई थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और एक टोपायरी मैंने ये भी बनाई थी देखो, ये शिव भगवान वाली। तो ये वाली जो है ये ब्लू कलर के फूलों की बनाई थी, ये शंख पुष्प की है अपराजिता की। ये देखिए अभी इस समय ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये देखिए मैं इसको इसकी कटिंग करती रहती हूँ, जैसे यहाँ से ये बढ़ जाता है तो मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ से मैं बढ़ने नहीं देती इसको, बस ऊपर ऊपर बढ़ने दे रही हूँ, और वो भी जो एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं निकाल देती हूँ। तो इसका ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम टोपायरी बनाते तो इसका लुक देने के लिए हमें ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो ये देखो इसमें एक्स्ट्रा भी कुछ जम गया, तो इसी इसको जो है तभी लुक आता है इसका। तो अब ये मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर जितना मुझे ज़रूरत है तो मैं उसको लपेटते जाऊंगी। जैसे ये है इनको लपेटते जाऊंगी, तो ये थोड़ा सा ये भारी सा हो जाएगा, अच्छा सा लगेगा लुक। और ये देखो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसका मैं निकाल दूंगी। मैंने इसमें निकाल भी दिया काफ़ी सारा, ये एक्स्ट्रा निकाल दिया। तो अब इसका लुक कुछ इस तरह का आया हुआ है। तो ये टोपायरी बहुत अच्छी लगती है, ये परमानेंट होती है, और ये बस विंटर में तो सूख जाती है। इस तरह की ये जैसे शंख पुष्प की है, और ये बनाई थी मैंने ये गुल टोपायरी की 9 o'clock की, ये जो होता है बहुत सारा। तो इस पर भी ये टोपायरी बनाई थी पर्सनल वाली। तो ये देखो ये कुछ ये तो 12 महीने तो का प्लांट तो होता है, मगर ये क्या होता है ये भी ये विंटर में 2 महीने तो ये डोरमेंसी में जाते हैं, और फिर बाद में जो है ये फरवरी में फिर ग्रीन हो जाते हैं इनकी भी। देखो मैं अभी तो ये कई महीने हैं हमारे पास इसमें, अभी ये कम से कम नवम्बर तक ये फूल देते हैं, तो ये चलती रहेगी और स्टैंड इसी में लगा रहेगा। और बस मैं इसको देखो ये जो एक्स्ट्रा भाग होता है इसको निकाल देती, तो ये एक अच्छा सा लुक आ जाता है बन के। तो अभी धूप कम है तो इसलिए फूल इस पर कम आ रहे, ये भी देखो। और जो बिल्कुल परमानेंट होती है जिसकी पत्तियाँ कभी सूखती नहीं है, वो हमारा वही जो मैंने अभी दिखाई है बना के, तो इस पर तो ये तो बहुत ही अच्छी टोपायरी रहती है इस तरह की। ये जेड प्लांट की, क्योंकि ये तो 12 महीने ग्रीन रहता है ये प्लांट पे, तो इस पर टोपायरी ज़्यादा सक्सेस रहती है। तो इसी पे लोग काफ़ी टोपायरी बनाते हैं, ट्री गार्डन बनाते हैं इसका। तो ये प्लांट क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल होता है कि कहीं को भी इसको मोड़ लो, जो भी हम शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। एक ये भी मैं बना रही हूँ इसको भी, ये वाइट कलर का ये टोपायरी है, ये भी ये शंख पुष्प की वाइट कलर की। तो ये देखो ये जैसी ये बढ़ गई है, तो अब इसको मैं ऐसे लपेटूँगी जिससे ये हमें भूसी घना दिखाई दे। तो ये एकदम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो इसको भी ये भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं रहती, ये भी अच्छी रहती है। तो इसको भी हम जैसे एक्स्ट्रा, ये मैंने जो बनाई थी ये बीच में प्लांट लगा के बनाई थी, और जो ब्लू वाली बनाई थी सिप वाली वो किनारों पे दो में एक इधर लगाई थी। और इसमें भी ये राउंड शेप में ही मैंने इसको वायर दिए इस तरह से यहाँ पर। तो ये देखिए इसको भी मैं कट कर दूँगी, अब मुझे ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ये सभी को कट कर दूँगी। ये देखिए अब इसका अपना आप ही ये जो है लुक अच्छा लगने लग जाता है जब अगर हम इसको कट कर देते। और मैं यहाँ से भी कर दूँगी तभी ये हमें गोल दिखाई देगा, ये राउंड शेप में दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट करूँगी कुछ स्टोन से, एक एक करके मैं इनको सबको किनारे पे लगा दूँगी। ये कलर वाले स्टोन है,
और फिर मैं आपको, और ये देखिए मैंने स्टोन कुछ इस तरह लगा दिया, और मैं इसमें थोड़ा सा ये परलाइट भी डाल दूंगी, वाइट वाइट ये अच्छा लगता है और ये हमारे प्लांट के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए ये मैंने कुछ डाल दिया है, और देखिए मैंने ये कलर वाले स्टोन लगा दिए थोड़े से बड़े बड़े, और यहाँ पे ये ब्लैक करिए। ये छोटा मेरा प्लांट है, ये सिलोसिया का प्लांट है, तो मैंने इसमें इसको लगा रहने दिया, ये सीड से ये ग्रो हो गया तो इसको मैंने नहीं निकाला। तो इसका लुक देखो कितना खूबसूरत लगने लगा, जो हमारे ये ज्ञान देते हैं कितना। तो ये देखो अब मैं इनको बिठाने वाली हूँ, इनका बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखो इसमें एक मैंने इनको इधर बिठा दिया और इनको इधर बिठा दिया, ये देखो। अब देखो इनसे तो और भी कितने खूबसूरती बढ़ गई है दोनों से, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अब इसकी ये देखो शेप भी आ गई है, मैंने यहाँ से ये सारा ये कट्टे कर दिया तो अब इसकी शेप आ गई। ये मैंने बीच में लिया प्लांट, और ये जो बढ़ रहा है मेरा तो मैं इसको भूसी बनाऊँगी, इसमें लपेट दूँगी, ये इसको धागे से बांध दूँगी मैं। अभी तो मैं इसमें ये कम है तो मैंने ऐसे ही लपेट दिया, तो ये देखिए बन के कितनी खूबसूरत हो गई है। अब देखिए मैंने आपको एक ये वाली टोपायरी दिखाई है, और मैं आपको कई सारी टोपायरी दिखाने वाली हूँ, सारी जितनी भी मैंने बनाई है। तो ये देखिए ये भी अपनी गोल शेप में आ गया, और ये भी कितनी खूबसूरत ये शंख पुष्पी की टोपायरी बन के तैयार हुई। कितनी सारी टोपायरी, लास्ट में दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी तैयार हुई है। तो ये देखिए ये मैंने आपको शेयर की थी शिव भगवान की, तो ये शंख पुष्पी की है अपराजिता की, और वहाँ पे जेट प्लांट रखा है उसकी अभी तैयारी है, और ये अभी आपके सामने बनाई है ये राउंड वाली गोल वाली, तो ये भी कितनी सुंदर है। और ये भी मैंने आपको शेयर की थी, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, ये मनी प्लांट पर है, अलग अलग प्लांट के ऊपर बनाई है मैंने। तो और ये देखिए ये पीछे जो रखा है हमारा ये वाला, तो इस ये हमने मोस रोज पे ये बनाई थी पर्सनल पे, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगती है दोपहर का टाइम है। तो ये देखिए कुछ इसकी तैयारी है प्लांट की, ये जितने भी मेरे जेट प्लांट हैं तो इसमें मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, और ये मैंने आपको दिखा दिया है बहुत खूबसूरत सा ये बना हुआ, ये देखो। और ये मैंने अभी आपके सामने ये डेकोरेट किया है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखो बैठे हुए दोनों गुद्दा। तो ये भी मैंने ये शंख पुष्पी की वाइट कलर की बनाई है, और ये प्लांट इसमें मैंने बीचों बीच दिया है, तो ये दोनों गुद्दा जी एक इधर किनारे पे बैठे हैं दोनों प्लांट के नीचे। तो ये भी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, और काफ़ी सारी ये देखिए जेट प्लांट की मैंने अभी मेरी तैयारी है बहुत सारी। तो अभी मेरे बहुत सारे प्लांट अभी मेरे बनाने की है, ये टोपियारी कई सारी बनाने वाली हूँ, आगे भी और प्लांट पे भी बनाने वाली हूँ जो परमानेंट प्लांट। देखिए आपको ये टोपायरी मेरी सारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और पहली बार है चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है आपका तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, कमेंट करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।